गणपति बाप्पा। आइने हम कहाँ जा रहे हैं? हाय एवरीवन, हम लोग रेडी है स्ट्रॉबेरी फार्म जाने के लिए। राहिन्ने के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर, और राहिन्ने को हमने इतना बताया था कि हम लोग स्ट्रॉबेरी फार्म जा रहे हैं, तब से बहुत एक्साइटेड है और हमें बोल रहा है कि राहिन्ने स्ट्रॉबेरी फार्म जाएगा, राहिन्ने को स्ट्रॉबेरी फार्म जाना है। ऐसा ये दो दिन से ऐसा बोल रहा है तो स्ट्रॉबेरी फार्म जाना है हमें। हमारी पैकिंग हो गई है। यूजुअली जब भी छोटी ट्रिप्स होती है या फिर जहाँ पॉसिबल होता है हम लोग बैकपैक्स लेते हैं, तो अब कैसे तीन बैकपैक जो है, इसमें मेरा सामान है, इसमें आई का सामान है, इसमें अभिजीत का सामान है। थैंक्स टू एक्सेंचर, तीनों बैग्स मेरी ऑफिस की है। राहिन्ने के लिए हमने इसमें लिया है जो उसकी नानी ने बनाई हुई बैग है, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बैग है इसमें है पूरा खाने पीने का सामान। तो कार में हम इसे आगे रखेंगे ताकि बीच में कुछ खाना हो तो इसमें से निकाल लिया जाए, और खाने पीने की चीज़ें साथ में होनी ही चाहिए। तो पानी राहिन्ने के लिए जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो सब हमने इसमें रखी है। ए सांबर तुंडी। कौन सा तुंडी? सांबर। पानी दिख गया। मैप्रो के दो फूड पार्क्स हैं, एक वाई में है ये वाला, ये बाद में बना है, नया है, और जो पुराना और ज़्यादा फेमस वाला है वो महाबलेश्वर में है। हम वहाँ भी जाएंगे, तो यहाँ आके सब लोग बहुत खुश है, बड़े तो खुश है ही, बच्चे भी खुश है। दोनों मैप्रो फूड पार्क में आप जो भी खाना बन रहा है वो सब देख सकते हैं, क्योंकि सब यहाँ पर कांच का है, खाना बनते हुए आप पूरी तरह से देख सकते हैं। अरे पापा जी, आप तो पीछे की सीट पे बैठ गए। ये देखिए भोले चेहरे को, देखो कितना खुश है। हम लोग यूजुअली महाबलेश्वर वाले में जाते हैं, तो ये जो वाई वाला है, हम लोग यहाँ पर पहली बार आए तो ये भी काफी अच्छा है, पर जो महाबलेश्वर में है वहाँ ज्यादा ठंडक है। ये देखिए वुड फायर्ड पिज्जा है ये, मतलब वुड वाले फ्यूल से इसे पकाया जाता है लकड़ी जलाकर। राहिन्ने को फ्रेंच फ्राइज यानी फ्लेंच फ्लाइज बहुत पसंद है। वो इसमें देख रहे हैं, तुम खाने में देख रही हो। ये भी आएगा, बदमाश को नहीं समझ में आएगा। अच्छा ना, यहाँ के टेबल्स एज वेल एज जो बैठने वाली बेंच है वो भी कांच की है, इसलिए मेरा भाई बोला कि मैं बैठूंगा तो शायद अभी टूट जाए इतने सारे लोगों से, तो पापा मेरे पीछे बैठे हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है। और बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम वाला सेक्शन देख के एकदम दोनों खुश हैं। पापा जी अकेले अकेले खत्म कर रहे हो। हमने स्ट्रॉबेरी विद क्रीम खाई, पिज्जा खाया, फ्रेंच फ्राइज खाई, आइसक्रीम खाई, और अब हम जा रहे हैं ऊपर यानी महाबलेश्वर की तरफ। हम लोग रूम पर आ चुके हैं, मतलब आने के बाद आराम वगैरह हो गया है और फिर से हम लोग रेडी हो गए हैं। तो आज ही के दिन हमने ट्रैवल किया था, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे पास में ही मार्केट है, वहाँ जाएंगे, स्ट्रोल करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं एक्चुअली, जब कोविड वगैरह आ गया उसके बाद से हम लोग कहीं बाहर गए नहीं थे। महाबलेश्वर हमारे यहाँ से ऐसे बहुत दूर वाली डेस्टिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी फ्रीक्वेंटली आना होता है, पर हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से आए नहीं थे। तो अब देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। लास्ट टाइम हमने एक पोटैटो ट्विस्टर खाया था, वो होगा या नहीं, क्या लगता है तुम्हें? होगा होगा, वो लेट्स सी, होगा तो खाएंगे। यहाँ मार्केट में हमें एक बहुत पुरानी बेकरी दिखी, 1849 से शुरू हुई, तो हमने सोचा चलो ट्राई करें, और थोड़ा बहुत टाइम पास बच्चों के लिए। तो इन जगहों पर हम कभी भी पास्ट में नहीं आए थे, इस बार पहली बार आए। मैप्रो के अलावा स्ट्रॉबेरी डेन में भी मैं स्ट्रॉबेरी विद क्रीम खाती हूँ। इस ट्रिप पर अपनी स्किन केयर के लिए मैं साथ लाई हूँ वाओ स्किन साइंस का ये एलोवेरा जेल। इसे सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं पर बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये एक मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल है फॉर स्किन एंड हेयर।
इसमें 99% प्योर एलोवेरा। इसमें प्रेजेंट एलोवेरा जूस स्किन को इंटेंस हाइड्रेशन देने, ड्राइनेस कम करने, इन्फ्लेमेशन कम करने, कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाने, जर्म्स एंड माइक्रोब्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और ज़ैंथन गम एक प्लांट बेस्ड थिकनर है जो मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। साथ ही में इसमें सिट्रिक एसिड जो स्किन की पिगमेंटेशन और टैन को कम करने में हेल्प करता है। इसे आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला एज हेल्दी मॉइस्चराइजर। आप इसे अपनी बॉडी और फेस पर लगा सकते हैं। ये इंस्टेंट मॉइस्चराइज करता है और स्किन को स्टिकी भी नहीं बनाता। इसे आप अपनी हील्स यानी एड़ियों पर यूज कर सकते हैं। इसे रात को सोते समय अपनी हील्स या एड़ियों पर लगाएं और सॉक्स पहन लें। सुबह तक आपकी हील्स काफी सॉफ्ट हो जाएंगी। इस स्टेप को अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो आपको अपनी हील्स सॉफ्ट रखने में हेल्प मिलेगी। इस एलोवेरा जेल को आप स्कैल्प और बालों को नरिश और सॉफ्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसे आप रात को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और अगली सुबह हेयर वॉश कर दें। वाओ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट हार्श केमिकल्स फ्री होते हैं। आपको इस एलोवेरा जेल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरा कोड Priyanka20 भी यूज कर सकते हैं फॉर एडिशनल डिस्काउंट। वाओ के हर ऑर्डर पर आपको मिलेगा एक सीड पाउच। इसे प्लांट करके आप बन सकते हैं एक प्राउड प्लांट पेरेंट। सो बी वाओ नेचुरली। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, उठो उठो उठो। आज हमारा यहाँ पर डे टू है और हम लोग रेडी हो गए हैं। मतलब हम ऐसे रेडी हुए हैं कि नाश्ता करने के बाद जहाँ हमें घूमने जाना है हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ जो हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ कैंपस में बहुत बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और ये जो सारे फ्लावर्स आप देख रहे हैं सारे रियल हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है और सारे के सारे रियल है। और इसके ऊपर ये क्या है, मधुमक्खियाँ हैं क्या? इस प्रॉपर्टी पर बहुत सारे गमले, बहुत सारे पौधे, फूल थे तो देखकर एकदम दिल खुश हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद और थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद हमारा प्लान है कि हम घूमने जाएंगे। मतलब कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ज़्यादा नहीं। मंदिर जाने वाले हैं हम लोग और वहाँ पर एक और मतलब दो मंदिर है एक जगह पर। बाकी पॉइंट्स हम नहीं जाने वाले क्योंकि बच्चे साथ में और राहिल ने यहाँ वहाँ बहुत भागता है। गणपति बाप्पा। हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं। मतलब ये मंदिर नहीं है फिलहाल, मंदिर आगे है, मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ बहुत सारी शॉप्स है। राहिन ने एंजॉय कर रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि राहिन ने गॉगल्स रखे हुए हैं, वरना वो तुरंत निकाल देता था। शिव जी यानी महाबलेश्वर मंदिर के पास ही में ये मंदिर है दूसरी साइड पर ये इतना कमर्शलाइज नहीं है। यहाँ आकर बहुत ही शांत, काम और पीसफुल फील हो रहा है। एकदम लोकेशन भी सही है और शांति भी है। मंदिर की लोकेशन बहुत ही सुंदर है। बहुत पुराना पत्थरों का ये मंदिर है और राहिल ने और प्रिशा को गोद में उठा लिया है क्योंकि खाई जो है इमीडिएटली इस फेंस के बाद में ही है और फेंस भी आप देख रहे कि बहुत खुली खुली सी है। मंदिर की सराउंडिंग्स बहुत सुंदर है। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ फोटो खिंचवा ले, वहाँ फोटो खिंचवा ले। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है बस पेड़ के नीचे चटाई डाल दे, चद्दर डाल दे और सो जाए। पर हाँ, ऐसा कर नहीं सकते। बस यहाँ थोड़ी देर हम बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, देखेंगे सब कुछ और फिर वापस जाएंगे। अब तो बंदरिया चढ़ गई पेड़ पे। तो मंदिर के एकदम पास में स्ट्रॉबेरी फार्म है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज है एकदम बड़ी बड़ी, जूसी, टेस्टी। साथ ही में ये लोग फार्म में ब्रोकली भी उगाते हैं, केल भी है यहाँ पे, केल लीव्स जो होते हैं। तो वर्टिकल भी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग है थोड़ी बहुत, पर वो बोले कि मेजर तो जैसे नॉर्मल होती है जमीन पर वही है। ये देखिए जो आप रेड रेड देख रहे हैं ये पौधे पर लगी हुई फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं। और यहाँ पर ये अंकल सेपरेट कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज और पैक कर रहे हैं। बहुत ही जूसी, टेस्टी और खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी है। सिर्फ खट्टी खट्टी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। और जब हम शॉप से लेते हैं अपनी सिटी में, वहाँ पर आने तक ये ऐसी रहती ही नहीं है जैसी यहाँ पर लगती है। तो हम सब लोग खा रहे हैं, सबको बहुत मज़ा आ रहा है।
प्रिशा को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा तो आई थिंक उसी ने स्ट्रॉबेरी खाना एंजॉय किया है यहाँ पर, कर रही है वो ऑलरेडी। कितनी बड़ी बड़ी है ये तो। हमने लंच वंच किया, थोड़ा आराम किया, फिर से रात को हम मार्केट में आए। मार्केट हमारे स्टे से पास में ही है, तो मार्केट में यहाँ पर ये छोले और चने फ्राइड वाले ये भी बहुत पॉपुलर है। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम लोग पोटैटो टोर्नेडो या पोटैटो ट्विस्टर ट्विस्टेड खाने वाले हैं। ज़रा ठंड लग रही है इसलिए मैंने मेरी मम्मी की चुन्नी ले ली। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैंने द टेरेस किचन पर ये कैसे आप घर पे बना सकते हैं ये भी पोस्ट किया हुआ है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी देन में आइसक्रीम, अब घूमने फिरने आए हैं तो ये सब खाएंगे ही। राहिनी ने मेरी आइसक्रीम देखकर कहा कि मुझे खाना है तो थोड़ी सी उसे मैं खिला रही हूँ, और ठंडी आइसक्रीम खाते से ही इसका रिएक्शन देखिए कितना फनी है। गणपति बाप्पा इधर देखो राइने। आज डे 3 है और हम वापस जा रहे हैं, और साथ में ले जाने के लिए आज हम स्ट्रॉबेरी परचेज कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा फ्रेश और अच्छी रहे घर पहुंचने तक। तो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज है वेन्ना लेक के पास से हम लोग खरीद रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर है मलबरीज और ब्लैक रास्पबेरीज। अब वापस जाते समय हम लोग जाने वाले हैं महाबलेश्वर वाले मैप्रो। तो इससे पहले जो आपने देखा था वो था वाई वाला मैप्रो, और ये जो मैं आपको बोल रही थी कि महाबलेश्वर में यहाँ ज़्यादा ठंडा लगता है और हमेशा हम यहाँ पर ही आते हैं, तो बच्चों को फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इस तरह की फोटोज हमने कभी पहले खींची नहीं थी मैं और अभी जब भी आए थे, पर इस बार बच्चे हैं तो हम लोग ये सारे स्ट्रॉबेरी और सारे प्रॉप्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इस जगह पर इस तरह के प्रॉप्स है, शॉपिंग करनी यानी मैप्रो के प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वो है, और गार्डन है, और ये एक कुआं है। मैंने देखते से तुरंत कहा कि भाई यहाँ से चल लो, राहिने को दूर रखते हैं यहाँ से। और हाँ, यहाँ पर मैप्रो में काफ़ी जंबो सैंडविचेस मिलते हैं, एकदम मोटी मोटी स्लाइस वाले, क्योंकि ये लोग अपने ब्रेड खुद बनाते हैं, तो ये कस्टम ब्रेड है इनके। ये भी आप देख सकते हैं सामने बनते हुए। ऊपर की क्रीम डाल दो भैया। यहाँ पर साइड में अच्छे से फेंस लगी हुई है तो दोनों बच्चे आराम से भाग रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। इन दोनों को तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया, और काफ़ी ठंडक है यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है, और ये गार्डन में फूल वगैरह भी बहुत सुंदर है। तो ये पता नहीं कौन से वाले हैं पर्पल कलर के, इनके अलावा यहाँ पर लोटस भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर खाकरा फैक्ट्री भी है, तो लास्ट टाइम जब हम आए थे काफ़ी टाइम हो गया, तब ये दूसरी जगह पर थी, अब ये विद इन मैप्रो ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। यहाँ पर भी सब कांच का है तो आप देख सकते हैं कि खाकरा कैसे बन रहा है, कैसे मशीन में प्रोसेस हो रहा है। काफ़ी पतला और टेस्टी खाकरा है, रेगुलर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ ऑडियो में काफ़ी शोर है इसलिए मैंने हटा दिया, पर राहिने की मामी ने कहा कि देखो रोटी, तो राहिने ने कहा नहीं खाकरा। राहिने को खाकरा बहुत पसंद है एक्चुअली। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है घर, बीच में कहीं पर रुकेंगे। तो ये देखिए हम बीच में एक जगह रुके हैं खाने के लिए, सब लोग खा रहे हैं, वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन चीज़ें, नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेजिटेरियन। मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है, हेडेक हो रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, खाना अवॉइड कर रही हूँ। बस अब हम निकलेंगे घर के लिए।